Yes, class, good morning to all. Class, today we will discuss our chapter, that is the revision exercise. We have finished all the chapters, and now we will do some sample paper also and some questions and whatever arise from your sides. So let us start with the our questions, that is the surface area and volume, and whatever problems with you, just arise questions, and I will solve it and try to make you understand. Example third, example third हम लोग कर रहे हैं, आपका पेज नंबर है 243. क्लास, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर. एक जो होता है टॉय है, दैट इज द सिलेंडर के ऊपर कोन की तरह माउंटेड. ठीक है ना, इस तरह से इसके ऊपर माउंटेड है. द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26. ये जो रॉकेट है इसका जो है हाइट जो है वो क्या है 26 मीटर है ना. देखो 26 मीटर जो होता है इंटायर रॉकेट का पूरी की पूरी हाइट दे रखी है क्लास. दैट इज द फिल द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 व्हाइल द हाइट ऑफ अ कॉनिकल पार्ट इज 6 cm. कॉनिकल पार्ट की हाइट जो है ना ये जितनी है इसकी 6 cm है ना. ये अच्छी इस पॉइंट ठीक है ना. कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है तो मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ कोन कितना है 6 cm और टोटल हाइट है टोटल हाइट है वो कितना है 26 मीटर. तो बताओ ये सिलेंड्रिकल पार्ट का कितनी हाइट हो 26 माइनस 6 दैट इज द 20 मीटर है सीएम है सीएम में ऐसा है ना सीएम यहां भी सीएम है और ये भी सीएम है क्लास. ठीक है ना. तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 20 cm. क्लियर है. देखो जैसे क्वेश्चंस का आपका वैसे मैं पढ़ता रीड आउट करता जा रहा हूं है ना. और ठीक उसी तरीके से मैं जो भी गिवन है जो हमारे नॉलेज में वी विल राइट है ना. अब यहां पे कहता है द हाइट ऑफ द कोन 6 cm द बेस ऑफ अ कॉनिकल पोर्शंस हैज अ डायमीटर 5 cm. देखो बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन यानी ये कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर क्या है बी ऑफ कॉनिकल कोन कितना है 5 cm. वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 cm और डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन का कितना है 3 cm है ना. ये कितना है 3 cm. क्लियर है 3 cm. इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड कॉनिकल पोर्शन को अगर जो पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद द विद ईच ऑफ दीज कलर. इस कलर से जो होता है कितने जो होता है मतलब कि पेंट करना है तो देखो पेंट कहां होगा इसके गट सरफेस एरिया पे. नीचे तो पेंट करने के लिए बोला नहीं है ना. इस कोन के अंदर जो होता है ये है ना यहाँ पे नहीं तो कहाँ होगा पेंट या तो होगा ये ऊपर है ना और ये कितना कहाँ होगा सिलिंड्रिकल पोर्शन पे ऑरेंज और येलो की है. तो देखो यहाँ पे जो होता है फर्स्ट व्हाट यू विल फाइंड सीएसए ऑफ कोन और फिर इसका क्या निकालोगे सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्योंकि देखो ना नीचे है ना ऊपर ऐसा नहीं कहा कि टोटल बेस भी कलर का
तो फर्स्ट यू विल फाइंड दैट इज द सीएसए ऑफ कोन एंड सीएसए ऑफ सिलेंडर, है ना। तो कर दो जल्दी से फटाफट, क्या होगा सीएसए ऑफ कोन इक्वल टू, कोन का सीएसए निकालने से पहले एल चाहिए, है ना, क्या होता है पाई आर एल, यही होता है ना, ठीक है ना। तो पाई आर एल होता है क्लास, तो एल हमें मालूम नहीं, तो एल आप यहां से निकाल लो। डायमीटर इसकी कितनी है कोन की, 5 cm, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2.5 कैसे आया पता चला ना रोहित, पता चल रहा है या नहीं? हाँ, ये जो होता है 2.5 हो गया। चलो अब ये जो होता है 2.5 करने के बाद आप फटाफट जो होता है इसका सीएसए निकाल दे, बस ये जो होता है इसका सर्कल का नहीं, देखो नीचे जो होता है खिलौना बना रहे हैं टॉय बना रहे हैं तो सबका पेंट करना है, तो ये नीचे के साइड तो पेंट होगा, है ना, पेंटिंग तो चलेगी, लेकिन देखो जितना दूर हम लोग जो ऐसे करके पाइप लगाएंगे तो जितने पाइप का एरिया होगा वो एरिया पे तो पेंट आप नहीं कर पाओगे, हाँ ऐसे करके अगर जो हम लोग लगाते हैं तो ये क्या होगा पेंट कर पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो होता है ना इस एरिया पे कुछ कुछ एरिया बचा रहेगा, तो ऐसा करते हैं ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, एंड क्लास व्हाट वी विल माइनस, कितना एरिया माइनस कर दो, ये जो होता है ना सिलिंड्रिकल पार्ट का, ये कोन में से कोनिकल में से ये जो पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर जितना दूर पे सिलेंडर लगेगा, है ना, सिलिंड्रिकल का जो पार्ट जो टच करेगा, है ना, उसको क्या कर लू माइनस कर लू, ठीक है ना, नहीं क्योंकि उस एरिया पे तो आप नहीं कर रहे हो ना। तो ये जो होता है पाई आर स्क्वायर, और ये आर जो होगा ना वो किसका होगा, कोन का होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये आर किसका होगा, कोन का होगा, ये सिलिंड्रिकल सॉरी ये होगा कोनिकल पार्ट का एरिया। तो चलिए फटाफट देखो पाई 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 सब में है ना, तो पाई ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, आर निकल गया क्या, देखो आर कितना है इसका, आर कितना है रेडियस 5/2 यानी 2.5, एल कितना आया आपका, एल 6.5 आएगा, ठीक है ना, प्लस आर, ये आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कितना हो गया यानी 2.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखो डायमीटर कितना सिलिंड्रिकल पार्ट, हाउ मच डायमीटर दैट इज द 3 cm, है ना, सो डायमीटर इज 3 cm, सो वी कैन राइट 1.5 cm होल स्क्वायर, कैन आई राइट और नॉट, यस। तो देखो अब व्हाट यू विल डू, जस्ट कैलकुलेट इट, इसको आप जो होता है कैलकुलेट करें, है ना, और कैलकुलेट कर करके निकालें, यस क्लास। नाउ व्हाट यू विल डू, पाई सबसे हो गया होगा, अब देखो आप जो होता है इसको माइनस कर दो, 16.25 ये यही आया है ना, चेक कर लेना, और ये कितना हो गया 4.0, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 20.3.14 इंटू 20.25, है ना 20.25, ये इतना सी है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आया 63.58 cm², ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। प्लस ये तो हमारा कोनिकल पार्ट का जो ऑरेंज कलर में करना था उसका कलर हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज दैट इज द सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर आप निकाल लो, सीएसए कितना हो जाएगा
क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो 2 इंटू 22 सॉरी 3.1 को तो कह रहा है ना देने को 3.14 इंटू आर कितना है क्लास 3/2 यानी कि 1.5 एंड हाइट दैट इज द 20 हाइट 20 है ना सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है 20 ठीक है ना तो 2 ये हो गया 3 × 2 = 6 और 14 × 2 = 28 इंटू 15 × 2 = 30 ये कितना हो गया 30 और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 195.46 cm square। तो ये आपका जो होता है सिलिंड्रिकल पार्ट का हो गया और ये आपका किसका हो गया कॉनिकल पार्ट का हो गया ठीक है। ये क्वेश्चन किसका था चलो नेक्स्ट एनी अदर और कौन सा क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट इसका पेज नंबर 241 पर है ना एनसीईआरटी का। तो देखो कहता है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप है ना एज हिज जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप में लट्टू है ना बचपन में सब खेले होंगे आप लोग लट्टू के साथ अभी बचपन बचपन ही चल रहा है ना तो पता नहीं कितने लोगों ने खेला होगा कौन कौन खेले हो लट्टू से देखे हो नहीं चलो कोई बात नहीं मार्केट में मिलता है प्लास्टिक वाला लट्टू उसको ऐसे ऐसे कस कस करके दबाने पर जो होता है चलता ठीक है ना तो लट्टू का होता है क्या एक ये जो है कॉनिकल पार्ट है ठीक है ना और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है ठीक है ना तो इसे कहता है रसिद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट कोई भी कलर नहीं है ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रायोन्स द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर द एंटायर टॉप इज 5 cm इन हाइट कितने हैं हाइट में टोटल जो होता है ना इसकी हाइट कितनी है 5 cm है ना टोटल हाइट 5 cm इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ टॉप डायमीटर ये जो है 3.5 cm है फाइंड द एरिया हैज टू कलर कितना एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया ये कलर करेगा तो क्या करूं CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन बस इतना ऐसा ही काम करना है तो लिखो टोटल PSA ऑफ ट्वाइस इक्वल टू क्या होगा CSA ऑफ कोन है ना प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर और कोन का क्या था कोन की अब देखो हमें ये नहीं पता कोन की हाइट कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी जितनी इसकी रेडियस होगी तो 3.5 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 3.5 का हाफ करो तो कितना हो जाएगा तो बताओ ये हो जाएगा 1 times और 7 × 5 यानी 1.75 ठीक है ना 1.75 तो बताओ ये तो ये हो गया इसकी रेडियस हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर की रेडियस होगी है ना तो लिख दो यहां पे आर ऑफ हेमिस्फीयर
एमी स्क्वायर कितना हो गया 1.75 cm, ठीक है ना, ये हो गया आपका इसका रेडियस। अब बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट यहां से यहां तक की है तो ये कितना होगा 5 - 1.75। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5.00 और इसकी हाइट कितनी होगी 3.25 cm, इतनी इसकी हाइट होगी। तो चलो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन निकालने से पहले फिर क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा L निकालना पड़ेगा। नहीं, जब तक जो होता है L नहीं निकलेगा तब तक कैसे होगा काम, तो पहले आप क्या करो L निकालो इसका कोन का। तो पाई आर एल प्लस हेमी स्क्वायर का क्या होता है 2πr² ठीक है ना। तो देखो आर तो दोनों में एक ही है, हेमी स्क्वायर का भी और कोन पे, क्योंकि इसके ऊपर सर माउंटेड है ना बेटा, तो दोनों का क्या है एक ही है, जो रेडियस हेमी स्क्वायर का है वही रेडियस कोन का। तो चलो ये कितना हो गया पाई आर कॉमन एल प्लस 2r, यही बचाना। अब आपको एल एल निकालना पड़ेगा, तो जो एल निकला है इसका वो 3.7 cm अप्रोक्स निकला है, 3.7 cm ठीक है ना। एल आपको सबको निकालने के लिए आता है, वही एल वाली फॉर्मूला लगानी है रूट अंडर h² + r² ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट इसका 3.5 cm, 22/7 × r कितनी है, रेडियस कितनी है, इसको ऐसा लिख देते 3.5/2 लिख देता हूं क्या। और ये एल जो है इसको तो इसलिए हाइट निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए हमें जरूरत थी, दैट्स व्हाई वी हैव चेंज इनटू अ डेसिमल। अब देखो इसकी 3.7 ये हो गया और ये 2 आ रहा है, तो रेडियस डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना होगा 3.5। 2r किसको कहते हैं, डायमीटर को ही तो बोलते हैं 2r, है ना। तो डायमीटर 3.5 हो गया, 7 × 5 = ठीक है ना 11 × अब ये हो गया 11 × 0.5 और ये कितना हो गया × 7 × 5 = 12 × 3 × 6 = 7 यानी 7.2। अब इन सबको जो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ठीक है ना, तो पूरा जो है वो कितना आएगा 39.6 cm². देखो अलग अलग अगर जो निकालोगे तो कैलकुलेशन बेटा बढ़ जाएगा, इसका अलग से निकालोगे इसका अलग से निकालोगे तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाता है, हमें मैथ्स को कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, थोड़ा सा जो होता है शॉर्ट में चलेंगे। हो गया रंजीत समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। 1 का क्वेश्चन नंबर आया है हमारे पास एनसीईआरटी का 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये इसमें कैलकुलेशन नहीं है क्लास, बट समझदारी है ना, क्या है कैलकुलेशन नहीं है बट समझदारी है। हाउ मच यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट ड्यूरिंग द सॉल्यूशंस, ये इसमें पता चलना है। कहता है अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक जो होता है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है ठीक है ना, फिगर तो आप मैनेज कर लेना ठीक है ना, ये क्यूबिकल है, आपको क्यूबाइड भी लगे तो क्यूबिकल ही माने ठीक है ना, अगर कोई एंगल से क्यूबाइड दिख रहा है तो क्यूबिक ही माने, क्यूब्स ही माने ठीक है ना क्लास। तो इसकी कहता है कि हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर
डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द ट्यूब, लेकिन इसका जो एज है ना ये जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी यहां से कट कर करके डिप्रेस कट कर करके बाहर निकाला गया है ना, ऑल आउट किया गया। तो क्लास दिस इज द एल, ये क्या है एल, क्लियर है? यस क्लास, ये क्या किया गया है हेमिस्फीयर, ये कट आउट डिप्रेस किया गया है, ठीक है ना। और जैसे ही जो होता है, और कितना कट किया गया है जितना इसकी सरफेस एरिया होगी वही तो, ठीक है ना। तो देखो कहता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस सरफेस एरिया ऑफ किसका होगा हेमी स्फीयर। तो देखो इसमें जो होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6a² है ना, 6a² ये पूरा हो गया, और यहां पे माइनस क्या हो जाएगा, क्या माइनस होगा हेमी स्फीयर का, सीएस से बोलो ना सीएसए ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा 2πr² तो सुनो यहां जो होता है ए कितना है, ए इक्वल टू कितना है एल दिया हुआ है ना, और डी इक्वल टू कितना है एल अपॉन 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, एल अपॉन 2 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 6l² माइनस 2 इंटू पाई इंटू एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना क्लास, 6l² माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो गया 2πl² / 4, तो ये कितना हो जाएगा 2×2=4, ये हो गया 6l² माइनस पाई l² / 2। देखो एल एल कॉमन ले लो चाहे कुछ कर लो है ना, लेकिन आंसर जो होता है एल में ही आएगा। तो देखो ये जो होता है ना अंदर की तरफ जो होता है डिप्रेस किया गया है, तो सरफेस एरिया पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, किस पे इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे, है ना। तो देखो यहां से जो ये कट किया गया है तो ये 2πr² प्लस होगा और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम यहां पे गड़बड़ हो गया, इसको भुला दे, ये हो गया 6l² प्लस ये कितना हो गया 2πl² / 4 माइनस पाई l² / 4, ठीक है ना। तो ये देखो यहां पे क्या हो गया 6l² + 2π में से ये तो दोनों सेम ही है ना, तो ऐसा कर देते हैं एक माइनस हो गया तो कितना बच गया πl² / 4, और l l कॉमन आ गया, l² कॉमन आ गया, अब ये कितना बचा 6π/4। अब इसको जो होता है क्लास वी कैन राइट हियर l² = 24π/4, और इसको लिख सकते हैं 1/4l² π + 24, ऐसे करके, ठीक है ना। डिप्रेस एक्चुअली क्या होता है ना जब कट करते हैं इसमें, तो इस पे जो होता है वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा है ना, एरिया पे नहीं, ठीक है। एरिया जो ऊपर वाले जो कट किया गया है ना, एरिया जो ऊपर वाले कट किया गया है देखो वो केवल πr² माइनस हुआ है, अदरवाइज इन दोनों का प्लस हो जाएगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना थोड़ा। ओके क्लास, तो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्लास, है ना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।